आज कांग्रेस पार्टी और हिंडनबर्ग दोनों मिलकर क्या चाहती है कि भारतीय पूंजी बाजार समूचा नष्ट हो जाए, पर भारतीय पूंजी बाजार और भारतीय निवेशक और भारतीय कंपनियां एक स्ट्रांग फंडामेंटल्स पर खड़े हैं। आज भी मार्केट में मात्र 0.07% की कमी हुई इतना हाउल्ला करने के बाद। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का आज एक ही उद्देश्य रहा है कि मोदी विरोध के लिए वो वहां तक पहुंच चुके हैं कि वो आज भारतीय अर्थव्यवस्था जो निरंतर बढ़ रही है उसका विरोध करने पर आतुर है। क्या हम ये भूल गए कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास है, भले ही वो कांग्रेस के संस्थापक हो एओ ह्यूम से लेकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या समझौता किया था। आज देश ये जानना चाहता है, देश ये जानना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी का जॉर्ज सोरस के साथ क्या रिश्ता है। देश ये जानना चाहता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के चंद सेकंड के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता उस पर ट्वीट करने लगते हैं। क्या हिंडनबर्ग पहले कांग्रेस पार्टी को रिपोर्ट दिखाता है और फिर देश को दिखाता है? क्यों हिंडनबर्ग घबराया हुआ है सेबी के शो कॉज नोटिस में, जिसमें कहा गया है कि हिंडनबर्ग ने अडानी समूह की कंपनियों के शेयर से 122 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है शॉर्ट सेलिंग से। ये समूचा षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और मध्यम आय वर्गीय उनको नष्ट किया जा सके, सेंसेक्स की जो लगातार बढ़त है उसको नष्ट किया जा सके। पर मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये भारतीय अर्थव्यवस्था स्ट्रांग फंडामेंटल्स पर खड़ी है, ये कंपनियों के स्ट्रांग प्रॉफिटेबिलिटी पर खड़ी है। इसको हिंडनबर्ग जैसे जो रिसर्च रिपोर्ट जिनका प्रयोजन सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट करना और उस आग के अंदर घी डालने का काम जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसका भांडा फूट चुका है। आज देश कांग्रेस पार्टी से ये जानना चाहता है कि आप आज हिंडनबर्ग का जब आप उसका हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हो तो हिंडनबर्ग ने अडानी समूह से 122 करोड़ रुपया कमाया, क्या आपने कभी उनसे ये पूछा कि वो 122 करोड़ रुपया कहाँ गया, आपने शॉर्ट सेलिंग क्यों की? क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी ये समझने की जरूरत करी कि देश में 2014 में डीमैट अकाउंटों की संख्या मात्र 2.2 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 9 करोड़ हो गई है? ये क्यों हुआ है? क्योंकि निवेशकों में विश्वास जागा है। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी ये समझने की कोशिश करी कि मात्र पिछले 4 सालों में मार्केट से आईपीओ के जरिए कंपनियों ने 3.25 करोड़ रुपए एकत्रित करें? क्या कांग्रेस पार्टी ने यह समझने की जरूरत करी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो साइज थी 2014 में 10.25 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 65 लाख करोड़ रुपया हो गई, 10.25 लाख करोड़ रुपया से 65 लाख करोड़ रुपया 2014 से 24 का सफर है, 6 गुना से ज्यादा की बढ़त, डीमेट अकाउंट की संख्या में 15 गुना से ज्यादा की बढ़त, पिछले 4 सालों में 3.25 लाख करोड़ रुपया कंपनियों ने आईपीओ के जरिए एकत्रित किया है। इन सवालों का देश आज जवाब चाहता है। और कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी से है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी ये बताएगी कि उनकी एल्ला चैंग मार्क किंगडम एंटरप्राइज से क्या रिश्ता है? क्या उनको वहां से पैसा मिलता है? क्या OCCRP संस्था से पैसा मिलता है? क्या सोरोस फंडेड ओपन सोसाइटी से पैसा मिलता है? उनका क्या रिश्ता है? देश ये जानना चाहता है कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं से कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो समझौता हुआ उसका मसौदा देश के सामने क्यों नहीं अभी तक रखते। देश ये जानना चाहता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के चंद सेकंड के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ट्वीट कैसे कर दिया। क्या हिंडनबर्ग और कांग्रेस मिलके देश की अर्थव्यवस्था को धूमिल करने के लिए ये रिपोर्ट बना रहे? देश ये जानना चाहता है। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे आपके जरिए पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते आज कांग्रेस पार्टी भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि का विरोध करने पर क्यों उतारू है? और कुछ सवाल मेरे पर्सनल सवाल है कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। और मेरा पहला सवाल ये है कि राहुल गांधी जी ने जो चुनावी घोषणा पत्र में जो एफिडेविट दिया था 2004 में, उनकी संपत्ति कुल थी 55 लाख रुपए, आज वो 55 लाख से बढ़कर 20.5 करोड़ रुपया हो गई, मतलब 4 से 24 के बीच में 3,583% बढ़त। ये कैसे हुई,
किन लोगों के कारण ये बढ़त हुई। देश ये भी जानना चाहता है कि राहुल गांधी जी जब इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं तो वो उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के द्वारा करते हैं जिन कंपनियों का वो दिन में विरोध करते हैं, और उसमें उनका म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट है। देश ये भी जानना चाहता है कि जो कपिल सिब्बल जी, जो चिदंबरम साहब, जिनकी संपत्ति आज कपिल सिब्बल साहब की जो संपत्ति है 4 से लेके 22 के बीच 18 वर्षों में 2748% बढ़ी है, और वो हिंडनबर्ग का सवाल उठाते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी की संपत्ति 2006 से 24 के बीच 18 साल में 2311% 2311% बढ़ी है, और वो हिंडनबर्ग के ऊपर सवाल करते हैं। चिदंबरम जी, आपकी संपत्ति 2011 में चुनावी हलफनामे के अनुसार 12.03 करोड़ थी, जो 22 में आज बढ़कर 141 करोड़ हो गई। ये पैसा कहां से आया? ये कहां निवेश करते हो आप? देश के मध्यम आय वर्गीय परिवारों को भी बताओ कि ये इस तरह के निवेश का रिटर्न कहां से मिलता है कि आपकी संपत्ति 10-10 साल में 3000 गुना बढ़ रही है, 2500 गुना बढ़ रही है। देश आज ये सवालों का उत्तर चाहता, और हिंडनबर्ग जैसे बायस्ड रिसर्च संस्था जो बायस्ड तरीके से अपनी रिसर्च रिपोर्ट करते हैं, और सेबी ने उनको शोकॉज नोटिस दिया था जून महीने में, उसमें साफ कहा कि आपने जो 122 करोड़ रुपए का लाभ कमाया शॉर्ट सेलिंग के द्वारा, उसका लेखा जोखा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? उसने उनका जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक और रिसर्च रिपोर्ट दे दी। ये रिसर्च रिपोर्ट नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था को धूमिल करने की हिंडनबर्ग की साजिश है, जिसमें कांग्रेस पार्टी घी डाल रही है। पर देश के लोग, देश की अर्थव्यवस्था, देश का स्टॉक मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पर खड़ा है कि इन तरह की रिपोर्टों को आज भी खारिज किया, मार्केट मात्र 0.07% से गिरा, मोर और लेस हम कह सकते हैं सेम लेवल पर है। इस तरह की रिपोर्टों को मार्केट ने खारिज कर दिया, जिस तरह से देश के लोगों ने विपक्षी दलों को खारिज किया है, वैसे ही मार्केट ने हिंडनबर्ग और हिंडनबर्ग की आग को फैलाने वाले लोगों के षड्यंत्र को खारिज किया। देश सिर्फ ये जानना चाहता है कि हिंडनबर्ग का और कांग्रेस पार्टी का क्या रिश्ता है, कांग्रेस पार्टी और जॉर्ज सोरस का क्या रिश्ता है, कांग्रेस पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का क्या रिश्ता है। देश इन मसौदों के बारे में जानकारी चाहता है।